लास्ट ओडो शो कर रहा है वो 3890 किलोमीटर्स का है। तो चलो इधर ही क्लोज करते हैं। एक तो हफ्ता हो गया, तो मैंने कल कॉल बैक किया था तो बोले कि आ गया। परेशानियों के साथ में ये एक परेशानी भी हमारे साथ चल रही है, तो हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। लेट हो रहा है, इनको बाहर जाना है, अभी उठाते हैं। उठो उठो। क्या बना रहे? डोसा। अच्छा, डोसा खाने को मिलेगा भाई नाश्ते में। मेरा आवाज धीरे धीरे आ रहा है, सुबह मॉर्निंग है ना। अभी सुबह के बज रहे 8:30, हमारा नाश्ता भी रेडी है। बहुत दिनों के बाद इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता हो रहा है। कल भी इतने बजे ही किया था ना, कल 9:30 हो गया था। कुछ चीज़ थी जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी, वो आज होगी। उसके लिए वो भी एक रीज़न है कि जल्दी उठना है और रेडी होके जाना है। चलो फटाफट मैं नाश्ता अपना ख़त्म करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। मोटे आ जा, व्लॉग तो स्टार्ट कर दे। हमेशा हमेशा फिर बाइक पे बैठा भी क्या बात करता हूँ, वो मुझे भी नहीं समझता, आप लोग को भी समझता है कि नहीं पता नहीं। तो व्लॉग स्टार्ट ही कर लेते हैं, तो व्लॉग स्टार्ट कर दे। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट एंड फील कपल। तो बहुत दिनों के बाद हम साथ में आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और ये हो पाया है क्योंकि घर खाली है। सारे बच्चे और डैडी सब गाँव गए, तो इसके लिए इतनी शांति से हम लोग बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पांचवा डोसा है मेरा खत्म हो गया, चाय भी आ गई है। चलो करते हैं ख़त्म, फिर आपको बाइक पर मिलता हूँ डायरेक्टली। चलो भाई हम रेडी हो गए अपने बाइक चलाने के अवतार में, मीन्स सेमी अवतार में। हम चड्डी में ही जा रहे हैं क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही नज़दीक जगह है। मेरी जितनी भी बाइक्स हैं उनको देख के ना मुझे एक सीन याद आता है कि आप लोगों ने वो फुकरे मूवी देखी है? फुकरे मूवी, उसमें जो वो भिखारी रहता है जो हर बार सिलेंडर टायर ये सब चोरी करता है, वो एक डायलॉग मारता ना, पैसे तो बहुत है मेरे पास, जेब में पड़े है नोटों काई लग रही है मेरी। तो सेम वही मेरे साथ में भी है, बाइक्स मेरे पास बहुत है बट मैं चला नहीं पा रहा, तो उन पे धूल और काई लग रही है। तो सेम हाल चल रहा है हमारा भी। ये देखो मेरा ओडोमीटर पूरा बैठ गया है नीचे, ये जो पार्ट है ये पूरा नीचे चला गया है। तो थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, उसको मॉर्निंग स्टार्ट या वार्म अप जो भी है कर लेते, उसके बाद आपको डायरेक्टली बाइक पर मिलते हैं। चलो मम्मा साथ दो। तो जिधर हम जा रहे हैं वो नाम है मोटोक्राफ्ट सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड का। तो अगर आपने मेरी पिछले व्लॉग देखी होगी, पिछली से पिछली व्लॉग, तो मैंने स्पीडोमीटर मेरा जो ख़राब हो गया था उसके ऊपर बनाई थी। तो कुछ ये एक महीने से ज़्यादा हो गया मैंने स्पीडोमीटर ऑर्डर किया था, तो वो आज जाकर अवेलेबल हुआ है, वो भी दूसरे सर्विस सेंटर पर जो मोटोक्राफ्ट चेंबूर का है, जो राम मोटर्स है वो लोग डेढ़ महीने से मेरे ख्याल से ट्राई कर रहे हैं, स्पीडोमीटर का ऑर्डर दिया है बट वो आ ही नहीं रहा। तो मैंने दो जगह पे बुक कराया था, तो मोटोक्राफ्ट में अभी अवेलेबल हो गया है, वो लोग ने तो दो हफ्ते में ला दिया। तो अभी जा रहे हैं वहीं पर मोटोक्राफ्ट में, तो अपना आज स्पीडोमीटर चेंज हो जाएगा। अभी देखो जैसे मेरा ये कंसोल है, अरे यार कैसे बताऊं, ये लद्दाख फ्लैग परेशानी कर रहा है। तो देखो स्पीडोमीटर सब बराबर प्रॉपर बता रहा है, सिर्फ ये प्रॉब्लम जो है ये इंडिकेटर्स जितने भी है वो सब नीचे चली गई है उसकी लाइट्स वाइट्स। तो
बाकी सारा चीज़ प्रॉपर है, स्पीड बराबर बता रहा है, ओडोमीटर जो बता रहा है मेरा किलोमीटर डन है 3885.7 किलोमीटर्स है, ट्रिप एफ चल रहा है, हाँ पेट्रोल गाड़ी बाइक रिजर्व में है मेरी, आरपीएम मीटर बराबर शो कर रहा है, फ्यूल मीटर बराबर शो कर रहा है, प्लस जो नेविगेशन वाला जो कंपास है वो भी प्रॉपर शो कर रहा है। ये जो मोटोक्राफ्ट सर्विस सेंटर है वो मेरे घर से हार्डली 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है पहुँचने के लिए। देखो भाई गलत जंप लिया तुमने, तो पेट्रोल रिफिल हो गया। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है पेट्रोल भराते वक्त कि लोगों को शांति नहीं है भाई। अब मेरे आगे के 3 जन मेरे से ऐसा साइड से निकल के पेट्रोल भरा के चले गए। भाई 2 मिनट तो तुम लाइन में जो बंदा है उसको भी कट करके तुम जा रहे हो, वो 2 मिनट आप अपनी लाइफ में ज़्यादा बचा के क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे भाई वो 2 मिनट का। थोड़ा रुक जाओ इज्जतदारी में, लाइन में जो बंदा चल रहा है उससे भाई क्यों ऐसा काट के आगे जा रहे हो। जिस दिन ना ये चीज़ समझ जाएगी ना लोगों को कि क्या करना है, घाई किधर, क्या कैसे, कभी कभी घाई करनी है वो लोगों को पता ही नहीं है। जब एम्बुलेंस पीछे अटकी रहेगी तब कोई घाई नहीं करेगा कि भाई वो घाई करके उसको साइड दे दूँ, तभी खड़े रहेंगे आराम से। अगर सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक नहीं है तो भी प्यार से चलेंगे, एम्बुलेंस पीछे आवाज़ करते करते पेशेंट अंदर मर जाए बट तभी घाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसा पेट्रोल पंप पे खड़े रहेंगे या किधर लाइन में खड़े रहेंगे तब घाई होती है लोगों को, अरे भाई मेरे को लेट हो रहा है मेरे को भरने दे पेट्रोल, अरे क्या कर लोगे भाई 2 मिनट के पेट्रोल में। तो मोटोग्राफ पहुंच गए तो अपना जो लास्ट ओडो शो कर रहा है वो 3890 किलोमीटर्स का है। तो चलो इधर ही क्लोज करते गाड़ी, बात करते देखते क्या बोलते ये लोग। स्पीडोमीटर चेंज करना था तो वो फ़ोन किया था तो आ गया। मैंने स्पीडोमीटर के लिए फ़ोन किया था हिमालयन DS6 का 29 हाँ मीटर अपन, मैंने कल कॉल किया था तो मेरे को बोला कि आ गया। आप जैसा बोलो इधर बिठाएंगे तो इधर बिठा लेंगे। नहीं मैं बुक करके गया था पार्ट के लिए तो एक दो हफ्ता हो गया तो मैंने कल कॉल बैक किया था तो बोले कि आ गया। प्रियंका पुलिस स्टेशन गई है, ये भी एक हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि जो बाकी सब प्रॉब्लम है उसमें से एक ये एक प्रॉब्लम है जो चल रही है, उसके बारे में अगले व्लॉग में बात करेंगे। तो अभी का जो व्लॉग है उसी के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं नंदी जो मेरी हिमालयन है उसको सर्विस सेंटर में छोड़ के आया हूँ मोटोक्राफ्ट में। तो उसका क्या हुआ, एक्चुअली जो स्पीडोमीटर कंसोल है वो आ गया है बट वो कैसे अप्रूवल में जाता है क्योंकि पार्ट है जो वारंटी में चेंज होगा। तो उन्हें जो वहाँ पे सागर थे, सागर भाई मोटोग्राफ में, उन्होंने बोला कि आप जाइए शाम तक आपका गाड़ी रेडी हो जाएगा क्योंकि जो पार्ट है उसका हमको वीडियो निकाल कर जो पार्ट मैनेजर या वारंटी मैनेजर है उनके पास देना पड़ता है तो वो अप्रूव करेंगे कि पार्ट फॉल्टी था प्रोडक्ट, तो वो अप्रूव जैसे हो जाएगा वैसे ही पार्ट चेंज कर देंगे। वैसे तो मेरे पास वो जो सर्विस कॉस्ट की जो लिस्ट बिल आती है वो आ चुकी है, मींस मोस्ट ऑफ अप्रूव हो चुका है, तो होपफुली 1-2 घंटे के अंदर वो चेंज हो जाएगा और मुझे कॉल आ जाएगा और मैं जाके अपनी नंदी को कलेक्ट कर लूँगा हिमालयन को। प्लस मैंने उनको बोला भी कि अगर मेरा गाड़ी हीट हो जाता है तो बंद हो जाती है, बंद पड़ती है, तो उन्होंने बोला हम लोग वो भी चीज़ चेक कर लेंगे।
तो होप सारा चीज़ चेंज हो जाए और ये जो अभी प्रियंका जो गई है वहाँ पे जल्दी आ जाए। अब लगता है वहीं से फ़ोन आया है। हाँ इधर सामने ही हो, सामने 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 जहाँ छोड़ा था आपको। इस चीज़ की इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फोटोग्राफ से कॉल आ गया, अपना जो स्पीडोमीटर था चेंज हो गया, बोला तो कर लिया, रिक्शा यहीं कहीं खड़ा है। 9589 चलो देखता हूँ। सामने ही खड़ा था गेट के और चालू है। चलो सूरज भाई थैंक यू। अपना इसका मीटर का प्राइस क्या है ओरिजिनल मीटर का प्राइस? हाँ 9500। ओके ठीक है चले चलो। आपको एक मैसेज आएगा सर, उसमें रेडी है। हाँ हाँ श्योर श्योर चलो। तो जो किलोमीटर है वो है 0.1 किलोमीटर। ओ माय गॉड, ओ ट्रिप ज़ीरो हो गया है, सब ज़ीरो। तो अभी मुझे सेट करना पड़ेगा। ओके टाइमिंग सेट कर दिया है इन लोगों ने। चलो G1 स्टन। तो बाइक फ्री कर दिया ये लोगों ने, मीन्स स्पीडोमीटर साथ में साथ चेंज किया ही किया ये लोगों ने, प्लस जो मेरा क्लीनिंग था चेन क्लीनिंग वो सब सब टोटल बॉडी भी क्लीन कर दिया इसका। तो अभी गाड़ी झटका नहीं मार रही जिस हिसाब से पहले झटका मार रही थी। अभी देखेंगे थोड़े दिन चलाएंगे, गर्म होती है फिर से तो समझ में आएगा कि, क्योंकि मैंने हीटिंग का भी इशू बोला था ये लोगों को, तो ये लोगों ने बोला वो हम लोगों ने टोटल बॉडी क्लीन कर दिया। गाड़ी स्मूथ चल रही है कंपेयर्ड पहले के हिसाब से। तो अभी जो मेरा ओडोमीटर बता रहा है इट्स 1.8 किलोमीटर, वहाँ पर 0.1 किलोमीटर था, तो इट्स वर्किंग फाइन। अभी मैं मोड वोड तो मैंने चेक नहीं किया क्योंकि डेट सेट किया हुआ है, सारी चीज़ें तो बराबर दिख रही हैं, बट वॉट इज़ G2 G1 ये मेरे को एक चीज़ चेक करनी होगी। ओके मेरा कंपास चला गया क्या? अरे अरे गलत हो गया यार, गियर वाला आ गया सिस्टम यार, शिट। अरे ये जो इसमें G1 ये G2 आ रहा है वो गियर वाला इंडिकेटर है ना, मैं जो इंडिकेटर अभी मैंने स्पीडोमीटर कंसोल चेंज किया ना जो हिमालयन में, उसमें जो G1 G2 ये गियर का इंडिकेटर है ना। हाँ G1 G2 उधर आ गया ना। अच्छा वो कंपास इसमें मेरा कंपास वाला था। अच्छा अच्छा अभी वो नहीं आता क्या कंपास वाला? क्या यार शे, मैं घर पे चल के बताता हूँ यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। व्हाई इज़ दिस अपडेट? अब घर पे पहुँच के बात करेंगे यार, मेरा दिमाग हट गया। तो कंसोल तो लग के आ गया, बट जैसे मेरी नज़र तो सर्विस सेंटर में ही पड़ गई थी उस चीज़ पर, बट मैंने सोचा शायद अपडेट होके हो जाएगा बराबर, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। तो मैडम अभी चेक कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है कंसोल में, कुछ समझा क्या कंसोल में डिफरेंस? अरे यार मुझे कुछ पूछो। प्रियंका ने उतना चलाया नहीं है बाइक इसको, बट वो फीचर हम दोनों को बहुत पसंद था जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ओके तो मैं अभी ये थोड़ी देर में चिल्लाएगी, चालू करो। तो ये अपना कंसोल आ गया, इधर देख रहे हो साइड में कुछ मिसिंग है, यहाँ पर जो मेरी जो पुरानी जो स्पीडोमीटर था जिसका, उसमें गियर का इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। गियर इंडिकेटर यहाँ पे आने का, विच इज़ परफेक्ट जगह था, क्योंकि क्या अभी हम लोग रेगुलर बाइक चला रहे हैं, इतनी बाइक चलाई है हम लोग ने, हम लोग RPM के हिसाब से स्पीड के हिसाब से गियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं गाड़ी में कौन सा गियर है, तो वो हम लोग के लिए कुछ नहीं था, वो मायने ही नहीं था मतलब उसका, बट वो अच्छा लगने का क्योंकि ये स्पेस यहाँ पर भरा भरा लगता था, बहुत अच्छा लगता था वो। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर,
ये आ गया न्यूट्रल। तो यहाँ पर मेरा ये आ गया गियर इंडिकेटर। गाड़ी चालू करो। ये हो गया G1। तो यहाँ पर आ गया मेरा गियर इंडिकेटर जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या बोलूँ, वहाँ पर हमारा कंपास हुआ करता था जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो कंपास भी यहाँ पे है ना। डेट इज ट्रिप मीटर, नेविगेशन मीटर। कंपास टोटली निकल गया। ये जो कंसोल है इसमें कंपास नहीं आएगा। मैं दोनों का जो ये है, ये कंसोल और पुराना कंसोल को सामने रखूँगा तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। तो चेंज हो गया, वो बहुत अच्छा लगा। बट ये जो मेरे को 2022 का कंसोल लग के आया वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। मेरे फ्रेंड की बाइक में था, मैंने उसको उसी टाइम पे बोला था भाई तेरा बहुत फालतू फीचर है। अब वही फीचर मेरे में भी आ गया। किसी को ये बाइक खरीदनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। आई एम फेड अप। मन उड़ गया अभी मेरा। मैं मतलब वो फीचर मुझे बहुत पसंद था इसमें, डायरेक्शन का। मीन्स फ्लॉन्ट कर सकता था मैं वो चीज़ को कि मेरा गाड़ी नॉर्थ में ये डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी बाइक्स में वो फीचर नहीं था। और जैसे मुझे ये क्लिक हुआ मैंने डायरेक्ट से सर्विस सेंटर में कॉल किया। सर्विस सेंटर वाले बोले सर अभी यही आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलो जाने दो, मोटोग्राफ ने मंगा तो दिया, कम से कम स्पीडोमीटर मेरा चेंज हो गया। तो चलो आज का व्लॉग यहीं एंड करते। खुश था सुबह कि चलो मेरा कंसोल चेंज हो रहा है, बट चेंज होने के बाद उदास हो गया मैं। तो चलो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा लगा तो डू हिट दी लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ वी बोथ राइड रॉयल एनफील्ड। हमारे पास क्लासिक भी है 350, तो इनकी अलग बाइक है, मेरी अलग बाइक है। हम लोग राइडिंग बंद है, हम राइड पर जाते हैं। बट ये इस चीज़ के वजह से, ये जो इधर बाहर आया है इस चीज़ के वजह से हमारी राइडिंग बंद है। मीन्स कपल राइडिंग बंद है। सह लेंगे थोड़ा, और 2-3 महीने की बात है फिर से हम राइड करेंगे साथ में, होपफुली। तो चलो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। डू हिट दी लाइक बटन अगर वीडियो अच्छा लगा। सो सब्सक्राइब भी करना भाई, सब्सक्राइब भी करना। तो चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। दैट एनफील्ड कपल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।